प्रदेश में पीएफआई नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में ज्ञापन प्रदर्श। मध्य प्रदेश में आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जिला इकाइयों ने एनआईए और ईडी की छापेमारी और गिरफ्तारी के विरोध में मध्य प्रदेश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी संदर्भ में आज संगठन के प्रदेश व राष्ट्रीय पदाधिकारियों की गिरफ्तारी के विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। पॉपुलर ऑफ इंडिया जिला अध्यक्ष वसीम खान एक बयान जारी करते हुए बताया कि एनआईए और ईडी द्वारा पूरे मुल्क में छापेमारी करना तथा कई राष्ट्रीय प्रादेशिक पदाधिकारी एवं समर्थकों की गिरफ्तारी कर उत्पीड़न करना अन्यायपूर्ण कार्रवाई है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश ईडी और एनआईए की इस गैर कानूनी कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा करता है। एनआईए के निराधार सनसनीखेज दावे का उद्देश्य केवल आतंक और डर का माहौल बनाना है। पॉपुलर फ्रंट सरकार के द्वारा केंद्रीय एजेंसियों को अपनी कठपुतली के रूप में इस्तेमाल करते हुए किसी भी डर की कार्रवाई के सामने कभी भी झुकेगा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हमारे प्रिय प्रदेश के संविधान की लोकतांत्रिक व्यवस्था और भावना को बहाल करने के लिए पूरी दृढ़ता के साथ खड़ा रहेगा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि संगठन के सभी नेताओं को तुरंत रिहा किया जाए तथा उन पर लगाए गए फर्जी मुकदमे वापस ले लिए जाएं। क्या मैटर पे आज आप ज्ञापन देने आए हुए? कल 22 सितंबर को ईडी द्वारा पूरे भारत के अंदर करीब 12 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई लीडरों को मतलब देश में उठाया गया, उसके लिए आज हम उसकी निंदा करते हैं इस बात की, क्योंकि पॉपुलर फ्रंट कोई भी इस चीज ऐसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है जिसका आप कह रहे हैं इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इस पे लगातार जिस तरीके से न्यूजें चल रही है चैनल पे लगातार आरोप लग रहा है कि धार्मिक कार्यक्रम में आपके लोगों ने वहाँ पे उपद्रव किया है लोगों के साथ में, उसमें क्या कहना चाहोगे? देखिए उपद्रव किया है इसका कोई सबूत आज तक मिला नहीं ना। पकड़े हुए ना लोग? नहीं पकड़े हुए, लेकिन सबूत क्या मिला बताइए? न्यूज वालों ने कभी कोई सबूत न्यूज वालों ने नहीं, ये तो ईडी की जिसने भी छापेमारी कही है लोगों ने, जिन लोगों को आपके नेताओं को गिरफ्तार किया है उनके पास कुछ मिले हैं ना दस्तावेज, उसके विषय में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए जो भी लोग पकड़े हुए हैं उनका अब जो कोर्ट में वो चलेगा तो उसमें वो सबूत बताएगी, जो भी जिन लोगों ने पकड़ाया वो सबूत बताएंगे, उसके आधार पर काम होगा जी। उसको बैन किया गया था अपने झारखंड में भी 2.5 साल 3 साल पहले बैन किया गया था, लेकिन कोर्ट से दोबारा कोई सबूत नहीं मिल पाया तो दोबारा उसको चालू किया गया। तो इस तरीके तो आरोप शुरू से लगते ही आ रहे हैं 2007 से पॉपुलर फ्रंट के ऊपर। आप लोग क्या चाहते हैं? हम बस अपने राष्ट्रपति के नाम हमने जो ज्ञापन दिया है इसमें ये चाहते हैं कि हमारे जो भी हमारे लीडर को गिरफ्तार किया गया है उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। तो ये छापेमार कार्रवाई जो की जा रही है आपके संगठन के ऊपर, ये क्या इसको किस रूप में ले रहे हैं आप लोग? हम तो इसे एक देखिए, एक तो सरकार के अपने मूलभूत मुद्दों से भटका रही है सरकार जनता के लिए, और दूसरा एक राजनीतिक शुरू से पॉपुलर फ्रंट के साथ रहा है बीजेपी और आरएसएस का, उसका एक बदला निकाल। गुना से इदरीस मंसूरी की रिपोर्ट।